अभी जो कल परसों अशांत तत्व हुआ है, सबको कहना है कि हमेशा भाव को वसुदेव कुटुंब समझकर को शांत करें, एक दूसरे से हम प्रेम करें और जो भी हुआ है उसको भूलकर एक बार फिर जोधपुर की शांति को बहाल करने में सहयोग करें। आप सभी से मैं विनती करता हूं, सभी संप्रदाय एक दूसरे के साथ सद्भावना कायम करें और कर्फ्यू खत्म होने का वाहिद एक रास्ता है, आप मिलकर शांति के साथ रहेंगे तो मुझे मालिक से उम्मीद है कि कर्फ्यू जल्द खत्म हो जाएगा। अब कंप्यूटर अनुदेशक बनने का आखिरी मौका ज्वाइन करें फ्लिकी ऑनलाइन क्रैश कोर्स, डाउनलोड करें फ्लिकी ऐप। नमस्कार, राम राम खम्मा गणी, मारो नाम है नवजीत, आप देख रहे हो झलको जोधपुर। सबू पहले तो आप दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, फेसबुक में देख रहे हो पेज ने लाइक कर दो, यूट्यूब में हो तो बेल आइकन दबा दो ताकि शहर से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपने मिल सके। आपने ध्यान ही होला पिछला 2-4 दिनों शहर मैंने जो 10 थाना क्षेत्र है उसका कर्फ्यू चल रही है, उन्हें लेने बार विभिन्न धर्मराज का धर्मगुरु है वे अपनी राय दी है, तो वह मैं अपने आगे दिखाऊंगा। बार धर्मात्मा सरल भाव की नगरी है, परंपरा शांति की नगरी नहीं, भाईचारे की नगरी, हिंदू मुस्लिम हमारी दो आंखें हैं और आंखों में प्रेम से चलता आ रहा है ठेठ तक। अभी जो कल परसों अशांत तत्व हुआ है, सबको कहना है कि हमेशा भाव को वसुदेव कुटुंब समझकर को शांत करें एवं सबको लेके चले, विरोध भाव ना जिए, प्रयास हो गया आगे के लिए, हम ये तैयारी करें कि हम सब एक हैं और एक ही जैसे उनको देख के सम्मान करें। कुछ अशांत तत्व है जो स्वार्थी तत्व ये अशांति कराने हैं, उनको सुबुद्धि दे रामापीर ताकि शांति हो, अमन हो, जोधपुर में एकता का भाईचारा रहे, यही मेरा आशीर्वाद सेनाचार्य जोधपुर आए के रामदेव मंदिर। मैं रेवरेंड जितेंद्र नाथ, इंचार्ज SM चर्च डी रोड सरदारपुरा जोधपुर, आप सब से अपील करना चाहता हूँ जोधपुर वासियों से, जो कुछ भी पिछले दिनों में हमारा यहाँ शांति को खराब करने का प्रयास कुछ लोगों के द्वारा किया गया, मैं निवेदन करता हूँ कि आप सब जन शांति बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें। हम चाहे जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी जगह पर रहते हैं, हम सब जोधपुरवासी हैं, एक दूसरे से हम प्रेम करें और जो भी हुआ है उसको भूलकर एक बार फिर जोधपुर की शांति को बहाल करने में सहयोग करें। मैं आप सब से अपील करना चाहता हूँ, हमारा जोधपुर अब तक इन सब चीज़ों से अलग रहा है और मेरा निवेदन है आगे भी हम भाईचारे को बनाए रखें ताकि हम सब जोधपुर वाले मिल करके एक अच्छी मिसाल दूसरे लोगों के लिए कायम कर सकें। धन्यवाद। श्री भैरुबाग पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर तीर्थ की ओर से मैं सचिव आदेश्वर जैन सभी जोधपुर वासियों को सादर जय जिनेन्द्र नमस्कार। 3 मई से जो जोधपुर का घटनाक्रम प्रारंभ हुआ और हम सभी आज कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में बैठे हैं, जोधपुर की जो अपनायत का एक मिसाल कायम करता है उसको शायद किसी की नज़र लग गई है। आप सभी, हम सभी मिलकर उस नज़र को उतारते हैं। आप सभी से मैं विनती करता हूं, सभी हिल मिल कर रहें, सभी संप्रदाय एक दूसरे के साथ सद्भावना कायम करें, सभी अपने अपने धर्म को, अपनी मान्यताओं को स्वतंत्र रूप से निर्वाह करते रहें और साथ ही साथ हम दूसरे धर्मों का, दूसरे संप्रदायों का भी उसी प्रकार आदर करें। जोधपुर अपनायत का शहर है, संपूर्ण विश्व में यह अपनायत हमारी प्रसिद्ध है, इसी के लिए हम जाने जाते हैं। आप सभी से विनती, उसी अपनायत को कायम करें, सभी एक साथ मिलजुल कर रहें और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। हम सभी आपस में वर्षों से एक दूसरे के साथ रहते आए हैं, कभी इस प्रकार के विवाद न तो आए हैं और न ही भविष्य में इस प्रकार के विवादों को हम स्थान देंगे। किसी भी अफवाह की ओर ध्यान नहीं देते हुए सभी संपूर्ण सौहार्द के साथ हिलमिल कर रहेंगे और शांति कायम रखने में प्रशासन की कंधे से कंधा मिलाकर मदद करेंगे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जोधपुर आज तक अपनायत का शहर है और मैं नरेंद्र चौहान अध्यक्ष, श्री पीपा क्षत्रिय समाज ज्ञाति सभा, दर्जी समाज का अध्यक्ष व मसूरी बाबा रामदेव का अध्यक्ष होने के सबसे मैं अपील करता हूँ जोधपुर वासियों से कि आज तक अपन जोधपुर में भाईचारा और सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से अपन काम करते आए हैं और एक दूसरा का त्यौहार, ईद हो चाहे धार्मिक पर्व हो, एक दूसरा अपन हिंदू मुस्लिम साथ मनाते आए हैं और आज तक यही होता आया है और होता रहेगा। और सबसे यही अपील करते हैं कि जो पहले की भांति है, परंपरा है, वो आज तक बनी रहे
और आपस में भाईचारा बना रहे। हमारी सभी जोधपुर निवासियों से इस धरा पे जितने भी हम लोग यहाँ रह रहे हैं, इनसे मेरी यही संदेश है कि हम लोग एक शांति बना के रखें, जिससे कि हमारे का आगे का मार्ग हमारा सुचारू रूप से हम लोग अपना कार्य आगे बढ़ा सकें, अग्रसर हो सकें, और जिससे कि किसी को किसी प्रकार का हानि नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ अहिंसा है, किसी भी प्राणी मात्र को किसी को दुख न देना, उसी प्रकार से हम लोगों को आपस में इस प्रकार से होना चाहिए कि हम लोगों को एक दूसरे को किसी प्रकार का जब दुख नहीं देंगे, तभी हम शांति और सुखी रह सकते हैं। इसलिए मैं महंत मुंडेश्वर गिरिधर दरबार जोधपुर यही संदेश देता हूँ कि हम लोगों को ऐसे कार्य करना चाहिए जिसमें हम सुखी और शांति रह सकें और किसी प्रकार का कोई भय ना हो, हमेशा हम लोग निर्भय रहें। और पब्लिक को, जोधपुर वासियों को यही है कि वो अपना प्रेम के साथ में रहें। हजरात, में मुफ्ती शेर उमर खान साहब रजवी, मुफ्ती राजस्थान, आपसे मुखातिब हूँ। मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से और हिंदू भाइयों से बड़े अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि मैंने कल एक दरख्वास्त पेश की थी मुसलमान भाइयों से जुमे की नमाज के ताल्लुक से, उस पर आप लोगों ने अमल किया। मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ और आपके इस मोहब्बत का प्रशासन पर बहुत बड़ा असर हुआ कि आप लोगों ने घर पर नमाज पढ़ी, घर में इबादत की। इसका हमारे हाई कमान पर और प्रशासन पर बड़ा असर पड़ा है। मैं एक बार फिर आपको तकलीफ देना चाहता हूं, तमाम मुसलमानों से और हिंदू भाइयों से मेरी दरख्वास्त है कि हमारे जोधपुर की सदियों से ये तारीख रही है मेल मोहब्बत की, और मुझे 50 साल से जोधपुर की तारीख याद है कि हिंदू भाइयों के वहाँ शादी होती है तो मुसलमान बच्चे पानी पिलाते हैं, और मुसलमानों के वहाँ शादी होती है तो गैर मुसलमान भाई आकर के हमारी खिदमत करते हैं। ये रिवायत मैं दुनिया में जाता हूँ, न यूरोप में है, न यूपी में है, न बिहार में है, न बंगाल में, ये सिर्फ राजस्थान का फख्र है कि यह हिंदू और मुसलमान भाई भाई बन के अपनी जिंदगी का सफर आगे बढ़ाते हैं। आज फिर मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि 2-3 दिन से जो हमारी जोधपुर का माहौल खराब हुआ कुछ नादान बच्चों की वजह से, उससे आपको भी तकलीफ पहुंची, हमको भी तकलीफ पहुंची, प्रशासन को तकलीफ पहुंची और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को तकलीफ पहुंची। मेरी दरख्वास्त है कि 2 दिन में आपने सुकून और कोशिश करके माहौल को अच्छा बनाया और यहाँ हमारे ईसा क्या स्कूल के पास हमारे सिलावटों के मोहल्ले में हमारे ब्राह्मण भाई और मुसलमानों ने मिलकर के मिठाई तकसीम की, एक दूसरे से गले मिले और मोहब्बत का मुजाहरा किया। मैं तमाम मुसलमानों से और हिंदू भाइयों से बड़ी मोहब्बत के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि ये मेलाप और ये मोहब्बत का मंदिर जो मैंने सलावटों में देखा, मेरी ख्वाहिश है कि हर मोहल्ले में ईद मिलन का माहौल बना करके मोहब्बत का मुजाहरा करो, एक दूसरे को घर बुलाओ और मिठाई का 1-2 लुकमा खिला करके मोहब्बत का इजहार करके दुनिया को दिखाओ कि हमारे यहाँ नफरत पनपती नहीं है बल्कि मोहब्बत का यहाँ पर उरूज है और मोहब्बत की यहाँ पर चाशनी है। और कर्फ्यू खत्म होने का वाहिद एक रास्ता है, आप मिलकर शांति के साथ रहेंगे तो मुझे मालिक से उम्मीद है कि कर्फ्यू जल्द खत्म हो जाएगा। मेरा निवेदन है कि सभी शहरवासी जो हमेशा शांति प्रिय रहे हैं और जो भी परिस्थिति आई है उसका शहरवासियों ने सामना किया, इस बार भी निवेदन है जो परिस्थिति आई है इस परिस्थिति में हम सब लोग शांति बनाए रखें। और जोधपुर की जो परंपरा रही है, जो जोधपुर शहर की गरिमा रही है, उस शहर की गरिमा को हम सब बनाए रखें। इस प्रकार के जो उपद्रव है वो शहर के लिए उचित नहीं है, और जिस प्रकार से शहर में एक शांत वातावरण था उस शांत वातावरण को अशांत किया गया, ये शहर के लिए अशोभनीय है। मेरा सभी से निवेदन है कि वर्तमान परिस्थिति को आप समझें और शांति बना करके इस अपने शहर की शांति को कायम रखें, गरिमा को कायम रखें, ऐसा निवेदन है। राम अबार तक आप महाराज जुड़ियो रहा जलको जोधपुर माता है या जगह धर्मगुरु राय दिए इन लेना आप भी कही राय है एक बार माने जरूर कमेंट सेक्शन में बता और बाकी रहे पेज में लाइक कर दो ताकि शहर जुड़ियो आपने बड़ी खबर मिल सके। जय हिंद, जय जोधा।